Question number 5. It is known that in a certain area of large city, the average number of reds per bungalow is 5. यहाँ पर average दिया हुआ है, ready? Average number of reds is equals to 5. Assuming that the number of reds follows Poisson distribution, find the probability in randomly selected बंगलोज. मतलब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है व्हेन एवरेज इज गिवन 5. क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? फर्स्ट देयर आर एग्जैक्टली 5 रेड्स. एग्जैक्टली 5 रेड्स. सेकंड है कंडीशन देयर आर मोर देन 5 रेड्स. And third condition given is there are between 5 to 7 reds inclusive. Inclusive मतलब 5 और 7 जो है वो included है. Between 5 and 7 reds inclusive. ये तीन कंडीशन ऑन एवरेज दिया है हम लोगों को और फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी एज पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. गिवन दैट एक्स ई रेस टू माइनस 5 ई रेस टू माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0.0067. वैल्यूज दिए हैं हम लोगों को एज पर यही फॉर्मूला सॉल्यूशन फाइंड करना है. आते हैं फर्स्ट कंडीशन पर. फर्स्ट कंडीशन से पहले एवरेज नंबर ऑफ रेड्स इज इक्वल्स टू 5. देयरफॉर एम विल बी इक्वल्स टू 5. एम का वैल्यू 5 है. यहाँ पर ई रेस टू माइनस 5 है मतलब एम का वैल्यू इज राइट. सेकेंडली लेट नंबर ऑफ रेड्स बी एक्स. Therefore, probability there are exactly 5 reds. Exactly 5 मतलब x जो है वो equals to 5 होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा. तो उसका solution e raise to minus m into m raise to x upon x factorial. e raise to minus m e raise to minus 5 into 5 raise to 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल. वैल्यूज पुट अप कर ली. ई रेज टू माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0.0067. वैल्यूज पुट अप करने के बाद सॉल्व करेंगे ई रेज टू 5 की जगह पर. वैल्यू विल बी 0.0067 इनटू 5 रेज टू 5. 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं या तो फिर डायरेक्टली यहाँ पर आंसर भी लिख देंगे. दैट इज ऑल्सो वैल्यू द होल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल. 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ये है हमारा वैल्यू पुटअप करने के बाद आंसर. एक एक 5 हमारा कट जाएगा. क्या बचेगा? न्यूमरेटर में 5 रेज टू 4 बच जाएगा और डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल बच जाएगा. 5 रेज टू 4, 5 5 25 एंड 25. दिस विल बी 25 इंटू 25 तो हो जाएगा हमारा 625. न्यूमरेटर में दिस विल बिकम 0.0067 इंटू 625 अपॉन 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल 4 3 12 2 24. अगर आपको पहले मल्टीप्लाई करना है फिर डिवाइड करना है दैट इज ऑल्सो वैलिड. और पहले डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे वो भी वैलिड है. लेकिन हम लोग क्या प्रेफर करेंगे? मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉमन नंबर्स नहीं है जिससे हम सिंप्लीफाई कर सके सम को, इसलिए पहले डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस विल बी 67 डिवाइड 67 इंटू 625. 7 5 7 2 14 7 6 42. 7 6 42 and 43. 7 5 35 7 2 14.
43. 6 5s are 30, carry 3. 6 2s are 12, 14, 13, 14 and 15. And 6 6s are 36, 37. This will be 5, 7, 8, 1 and 4. 4 1, 8, 7, 5 or decimal. 4 digits ke baad chahiye, isliye 4 decimals aa gaya. This will become 4.1875 divide by 24. इसे directly divide by 24 कर देंगे, या तो फिर simplify कर दे तो भी valid है, अच्छा रहेगा. 24, 2 12s are 4, 0 9 3s are 6 1 5 7 and 5. This will be 12 2 0 9 3 7 and 5. 12 0s are 0, then 12 1s are 12. 20 minus 12 will be 8 9. 12 7s are 84. 5 3. 12 4s are 48. 5 7. Again 4s are 48 9 and 5. 12 8s are 96. 7.9 समथिंग आएगा, राउंड अप करके हम लोग 8 ले सकते हैं यहाँ पर. तो हमारा आंसर ये क्या हो गया, 0.17448. नंबर 2, मोर देन 5 रेट्स. हम लोगों को सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है 5 से ज़्यादा जो है वो कंडीशन फाइंड करनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 5. ग्रेटर देन 5 मतलब अप टू 5 का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके उसे 1 में से माइनस कर देंगे. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. हम लोगों ने प्रीवियस सम में यही किया था, लेकिन यहाँ पर भी नंबर ऑफ जो कैलकुलेशन है वो बढ़ने लगा है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के साथ एक इसका शॉर्टकट देख लेंगे. अगर हम लोग इसे अलग अलग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, e रेज टू माइनस एम ई रेज टू माइनस 5 इंटू 5 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल. तो सब में ई रेज टू माइनस 5 इज कॉमन. तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये एक साथ सॉल्व करेंगे तो चांसेस है कि कैलकुलेशन यहाँ पर, जैसे कि ई रेज टू माइनस 5 का मल्टीप्लीकेशन का कैलकुलेशन है वो आपका सिंप्लीफाई हो जाए. इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे सब में सारे ये मेथड्स जो है, यानी कि सारे जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो फाइंड एक ही साथ करके फिर उसे माइनस कर देंगे. तो दिस विल बिकम, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, शायद कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ कन्फ्यूजन क्लियर होते ही आपको ये ईजी लगने लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी कम हो जाएगी इसमें. दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, मतलब ई रेज टू माइनस 5 इंटू 5 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू माइनस 5 इंटू 5 raised to 1 upon 1 factorial plus e raised to minus 5 into 5 square upon 2 factorial e raised to minus 5 into 5 cube upon 3 factorial plus e raised to minus 5 into 5 raised to 4 upon 4 factorial plus e raised to माइनस 5 इंटू 5 रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल. ये मेथड आपको कब अप्लाई करना है, जब भी यहाँ पर एडिशन भी बहुत सारे नंबर्स से हमें करना पड़ेगा. तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई रेज टू माइनस 5 इज कॉमन, सब में है इसलिए मैं डायरेक्टली उसे बाहर ले रही हूँ. बच गया हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस 5 5 रेज टू 0 इज 1 एंड 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1. ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 स्क्वायर यानी कि 25 अपॉन
टू। ये कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है, सिर्फ तीन या चार डेसिमल लेना है ये सम की तरह। अगर आप पांच डेसिमल लेने जाएंगे या तो वो लेंदी हो जाएगा, अगर चार या उससे ज़्यादा डेसिमल लेंगे तो ट्राई करिए कि वो कम से कम थ्री या फोर, मैक्सिमम फोर, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर आ गया फाइव स्क्वायर डिवाइड बाय टू, दैट इज 12.5 प्लस फाइव क्यूब डिवाइड बाय थ्री, 25 इंटू फाइव इज 125 डिवाइड बाय थ्री, थ्री फोर ज़ा वन ज़ा एंड दिस विल बी 2066, 41.67 प्लस 125, 5 क्यूब इज इक्वल्स टू 125, 5 रेज टू 4, 125 इंटू 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4550 एंड 625, 625 डिवाइड बाय, ओके ये भी हमारा रॉन्ग है, दिस इज 125 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज 6, तो 6 टू जार 12, 0 एंड 50 मतलब 6 8 जा 48, 2063 जा 18, 20.83। यहाँ पर आपको फैक्टोरियल का भी कैलकुलेशन साथ ही साथ ध्यान में रखना है, अगर मैं यहाँ पर एक टर्म भूल गई थी फैक्टोरियल में, अगर वही कंटिन्यू कर देते तो हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाता। यहाँ पर 5 रेज टू 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज 4, 3, 2 एंड 1, 4 3 इज 12 और यहाँ पर आ गया 24, 12 सा 3, 1, 2.5, नाउ 3, 1, 2, 5, 12, 12, 2 सा 24, 72, 12, 6 सा 72, 5 नहीं आएगा, पॉइंट डाल दिया, 0 आ गया यहाँ पर, 50, 12, 3 सा, सॉरी 12, 4 सा 48, बच गया हमारे पास 2, 0, 12, 1 जा 12, दिस विल बिकम 80 एंड 12, 6 जा 72, 4, 1, 6, दिस इज 26.416। ये कैलकुलेशन एंड लास्ट कैलकुलेशन हमारा, दैट वॉज ए वाला, 625 इंटू पहले 5 कर देंगे, 5 फाइव ज़ार 25, 5 टू ज़ार 10, 5 सिक्स ज़ार 31, 3125, या तो फिर डायरेक्टली हमारा ये आंसर भी क्या आ जाएगा, 26.416। कैसे, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें 5 रेज टू 4 इंटू 5 करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 625 इंटू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5, 4, 3, 2 एंड 1, 5 5 कैंसिल, तो 625 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, 1 माइनस 0.0067, और ये सारे नंबर्स को हमें ऐड करना है। रफ वर्क यहाँ पे कर लेते हैं, ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर वन सिक्स 20.83, 5 एंड 12.5, 5 एंड 1, 6 प्लस 6, 12, 3, 4, 5 एंड 6, 4 प्लस 4, 8 प्लus 8, 16, प्लस 5, 21, 6 प्लस 6, 12, 13, 14, 15, 20, 22, and 2, 4, 6, 8, and 9, 9, 2, 1, 6, 2. डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है, यहाँ पर 3 मतलब 3 डेसिमल्स, दिस विल बी इक्वल्स टू 92। अगर आपको इसको रफली चेक करना है तो किस तरीके से करेंगे, 12,
plus 20 will be 32, 42, 52, 62, 72, 82, 83, 84 और 84 plus 6, 90, मतलब 90 के आसपास आपका यहाँ पर आंसर आना चाहिए. 92162 into क्या करेंगे 67 कर देंगे. ब्रैकेट ओपन करना है हमें इसीलिए. 7 2 14 कैरी 1, 7 6 42 3 कैरी 4, 7 1 7 8 9 10 11, 7 2 14 15 and 7 9 63 64, 6 2 12 कैरी 1, 6 6 36 37 कैरी 3, 6 1 6 7 8 9, 6 2 12 कैरी 1 एंड 6 9 54 55. ये है हमारा कैलकुलेशन. 4 5 8 14 7 11 and 6. 6 1 7 4 1 minus 6 1 7 4 8 5 4. ये फाइनल आंसर. डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद रहेंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, 1 2 3 4 5 6 and 7, मतलब पूरा जो हमारा आंसर है दैट विल बी इन डेसिमल. फाइनल बस 1 से माइनस करेंगे ये नंबर. अगर इसको आपको शॉर्ट डाउन करना है तो कितना करेंगे हम लोग, 8 को राउंड अप कर देंगे, मतलब 7 5. ये क्यों, आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा और कम हो जाएगा. 1 माइनस 6 1 7 5, 10 minus 5 5, 9 minus 7 2, 9 minus 1 8, 9 minus 6 is 3. Therefore, probability of x is greater than 5 is equals to 0.3825. ये है हमारा फाइनल आंसर फॉर द सेकेंड टर्म. सिमिलरली आपको यहाँ पर थर्ड फाइंड करना है. थर्ड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, बिटवीन बोला है 5 और 7, तो एक साइड 7 मैक्सिमम वैल्यू और एक साइड 5 रहेगा. 5 विल बी लेस देन इक्वल्स टू एक्स, विल बी लेस देन इक्वल्स टू 7. इस तरीके से आपका टर्म बनेगा. टर्म बनने के बाद उसे लिखेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 7. मतलब यहाँ पर ये तीन प्रोबेबिलिटीज अलग अलग फाइंड करके आपको ऐड करनी है. अगर उसको भी इसी तरीके से करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन विल बी ईजी. ये थर्ड सम आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड कंडीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू एक कंडीशन दिया है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2. मतलब आपके पास दो प्रोबेबिलिटीज जो है वो इक्वल बोला है उन्होंने. उसके बेसिस पर आपको एक तो मीन फाइंड करना है, मीन वैल्यू, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 फाइंड करना है आपको. तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम लोग मीन फाइंड करने के लिए. एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2. ये क्या है, गिवन स्टेटमेंट है. तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों स्टेटमेंट्स के जगह पर उसके फॉर्मूलाज पुट अप कर देंगे. दैट इज देयरफॉर ई रेज टू माइनस एम, एम का वैल्यू नहीं है इसीलिए उसे कंसिडर कर रहे हैं एम, इन टू एम रेज टू 1, क्यों एक्स इज इक्वल्स टू 1 है, अपॉन 1 फैक्टोरियल. दैट इज इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस एम इन टू एम रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल. अगर दो प्रोबेबिलिटीज इक्वल है तो उसकी फॉर्मूला के वैल्यूज भी इक्वल होंगे, इसीलिए हम लोगों ने फॉर्मूला इक्वल कंसिडर किया है यहाँ पर. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर नहीं पता, एम रेज टू 1 नहीं पता, तो हम लोग वैल्यूज इंटरचेंज कर देंगे. किस तरीके से, एक साइड एम या एम स्क्वायर आए और दूसरे साइड ई के वैल्यूज आए. मतलब क्या हो जाएगा, ई रेज टू माइनस एम इज इक्वल्स टू, ये m जो m रेज टू 1 है वो हम लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर में डाल देंगे,
जगह जो है वो इंटरचेंज करनी है हमें, ई रेस टू माइनस एम माइनस एम है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ उसे डिविजन में डाल रही हूँ, ई रेस टू माइनस एम यहाँ पर आ गया, वही एम स्क्वेयर अपॉन एम रेस टू वन इंटू टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू टू, ये क्या हो गया e रेस टू माइनस एम कैंसल, वन का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए अगर डालना भी है तो आपको वन ही कंसिडर करना है और एक साइड बच गया हमारे पास एम स्क्वेयर अपॉन एम इंटू टू, अभी यहाँ पर इंटू टू है, डिविजन में टू है तो हम लोग इक्वल्स टू के नेक्स्ट साइड डालेंगे, इक्वल्स टू के नेक्स्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड का, और यहाँ पर e रेस टू माइनस एम डिवाइड बाई ई रेस टू माइनस एम विल बी इक्वल्स टू वन, मतलब टू इंटू वन इज इक्वल्स टू एम स्क्वेयर, एम स्क्वेयर को हम लोग अगर स्प्लिट करें तो m इंटू एम अपॉन एम हो जाएगा, देर फोर ये एक एक m कट जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ m विल बी इक्वल्स टू टू, क्या किया हम लोगों ने, बस जगह इंटरचेंज कर दी, डिविजन में सिमिलर टर्म्स लाए हैं, एक साइड m दूसरे साइड e रेस टू माइनस एम, और उसी तरीके से हम लोगों को वैल्यू मिला m का, दैट इज टू, यहाँ पर m का वैल्यू टू है, e रेस टू माइनस टू है, मतलब हमारा आंसर इज राइट। फिर नेक्स्ट एज यूजल हम लोगों को सम सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू e रेस टू माइनस टू इंटू टू रेस टू जीरो अपॉन जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 0.1353, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू जीरो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे सम्स आने के चांसेस है क्योंकि आपको ये रिवर्स में सॉल्व करना है, m का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद ही आपका सम जो है वो आके सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास एक स्टेटमेंट दिया है, आपको उसे ट्रू या फॉल्स है वो बताना है, किस तरीके से तो एक्सप्लेन करना है विथ रीजन कि वो फॉल्स क्यों है। फाइंड आउट द फॉलोसी इफ एनी इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है, द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज टू एंड वेरियंस इज फोर, मीन का वैल्यू दिया है m इज इक्वल्स टू टू, v इज इक्वल्स टू फोर, ये वैल्यूज हम लोगों को दिया है, बट एज पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल्स टू वेरियंस, हम लोगों ने यहां पर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एज हियर मीन इज लेस देन वेरियंस, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ध्यान में रखना है आपको ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है कि नहीं वो प्रूव करना है, और अगर फॉल्स है तो क्यों है, विद दिस रीजन ये स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास वापस दिया है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टू इज इक्वल्स टू 3/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस वन, 3/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू वन, हमें फाइंड करना है x इज इक्वल्स टू जीरो एंड x इज इक्वल्स टू, सॉरी यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू जीरो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन टू, ये दो प्रोबेबिलिटीज हमें फाइंड करना है, लेकिन उसके पहले एज हमें यहाँ पर m का वैल्यू नहीं दिया, पहले m का वैल्यू फाइंड करेंगे विद सम गिवन कंडीशन e रेस टू माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू 0.2231। आपका क्वेश्चन ये है, इसके बेसिस पर हमें पहले m फाइंड करना है, m फाइंड करने के बाद नॉर्मल सम की तरह इसे सॉल्व करेंगे,
एम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम यहाँ पर जो कंसेप्ट दिया है वही यूज़ करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टू इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी 3/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1. फॉर्मूलाज डाल देंगे, e रेज टू माइनस m इंटू एम रेज टू x. x हमारे पास है यहाँ पर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल. हम लोगों ने फिलहाल क्या किया है, सिर्फ फॉर्मूलाज ही पुटअप की है. वापस जगह इंटरचेंज कर लेंगे, एक साइड e रेज टू m और दूसरे साइड m के वैल्यूज. तो ये आ गया m इंटू m अपॉन m. ये m यहाँ पर नीचे ले लिया, साथ ही साथ 3/4 इंटू 2. 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू के दूसरे साइड आर एच एस साइड ले लिया, तो इसीलिए मल्टीप्लाई हो गया इंटू 2 इंटू e रेज टू माइनस m अपॉन e रेज टू माइनस m. एक स्टेप हम लोगों ने ये सम के कंपैरिजन में उधर कट कर दिया है, क्योंकि आपको अभी शायद ये सम समझ में आने लगेगा. यहाँ पर m कैंसिल कर दिया, देयरफॉर m विल बी इक्वल्स टू 2 1 2 2 सा e रेज टू माइनस m भी कैंसिल हो गया, बच गया 3/2 एंड सो m इज इक्वल्स टू 1.5. m का वैल्यू आ गया, यस यहाँ पर भी वही है. सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, दोनों सम सॉल्व करेंगे. ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज क्लियर फॉर यू, एक्स इज इक्वल्स टू 0 फाइंड करना है, मतलब उसका आंसर विल बी 2231. सेकेंड कंडीशन ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2. यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं है, इक्वल्स टू का साइन, इसीलिए हम लोगों ने माइनस करते टाइम यहाँ पर इक्वल्स टू 2 लिया है. अगर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का कंडीशन होता, अगर सपोज इक्वल्स टू का कंडीशन होता, तो आपका ये 2 जो है वो हट जाता. आपको ये सम बाकी सम्स की तरफ सॉल्व करने हैं एज अ होमवर्क.